ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा मैं नजर आऊँ, ठीक है सर। सर मैं बैठ सकते हैं यहाँ पे? ओके जी, मेरा नाम जैन मोमिन है। देखिए जी, मैं आपको अभी बता रहा हूँ किस तरह हम पत्थरों से, आम जो पत्थर जो रोड पर पड़े होते हैं, ठीक है, उससे हम बिजली बना सकते हैं, पानी बना सकते हैं, और हम उससे क्या कहते हैं खाना बना सकते हैं, खासकर हमारे जिस्म को ज़रूरत होती है वो बना सकते हैं। अब देखें, पहले मैं पानी भी आता हूँ जी, कि क्यों पानी ज़रूरी है, पानी अहम है। आपको मालूम है मौजूदा वक्त में अभी करंट जो पानी की वजह से, आपको मतलब यूक्रेन रशिया जो जंग जो हो रही है उनके बीच में, वो स्टार्ट का वजह है पानी, पानी की वजह से जंग हुई है, यूक्रेन रशिया की अहम जंग हुई, ठीक है ना, उसकी वजह से पूरी दुनिया अभी मुतासर है, ठीक है ना। तो ये पानी का आपको मालूम भी इतना अहम इशू है कि आने वाले वक्त में आपको 40% पानी की कमी हो सकती है आने वाले वक्त में, क्योंकि इतनी क्लाइमेट चेंज और लोगों की आबादी बढ़ना और ज़्यादा इस्तेमाल, हद से ज़्यादा इस्तेमाल करना, तो पानी की कमी हो रही है, साफ़ पीने के मीठे पानी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है जी, तो उसकी कमी हो रही है। तो हम किस तरह साफ़ और मीठा पानी पत्थरों से बना सकते हैं मैं बता रहा हूँ। और जी, अगर खाने की बात करें तो वो अहम क्यों है कि आपको मालूम है जो जंग हुई है रशिया और यूक्रेन की, पूरे दुनिया में जी अनाज की कमी हो गई है जंग की वजह से, बिजनेस और गाड़ियाँ आ जा नहीं पा रही, ठीक है, जिसकी वजह से लोगों को रोज़गार भी कमी हो रही है, खाना भी नहीं मिल रहा, अनाज भी, खासकर अनाज की कमी हो रही है, जिसकी वजह से हमारी रोटी की कीमत बढ़ी है पाकिस्तान में, पेट्रोल की कीमत भी बढ़ी। आपको मालूम है पेट्रोल, लोग कहते हैं कि भाई पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, इस वजह से खाने की कीमत बढ़ गई है, लेकिन देखिए तब ये भी होता है, जब खाने की कीमत बढ़ती है तब भी पेट्रोल की कीमत भी तब भी बढ़ सकती है। तो मैं दोनों एक दूसरे कनेक्ट दें, ये नहीं कि पेट्रोल की वजह से अगर खाने की कमी होगी या फर्टिलाइज़र महंगा मिलेगा, फसल में अगर महंगी होगी तो खाना महंगा बेचेंगे और ओवरऑल मुल्क में महंगाई बढ़ेगी, तो उसके लिए पेट्रोल भी महंगा होगा, ठीक है जी। तो क्योंकि जी ओवरऑल इकोनॉमी को बैलेंस करने के लिए ये इन्फ्लेशन आता है, ठीक है जी। तो अब मैं जी बात कर रहा हूँ किस तरह महंगाई को कम कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं पत्थरों से। देखें, ये मेरी प्लानिंग है, अगर आप देख सकें ये जी, देखें ये अहम प्लानिंग है, ठीक है, पूरा नक्शा जिस तरह होता है मुल्क का या शहर का, उस तरह ये मेरी एक मशीन का या इस प्लानिंग का नक्शा है। देखिए, जिस तरह आपको मालूम है, अगर आप राजपूताना हॉस्पिटल या भिटाई हॉस्पिटल या आगा खान हॉस्पिटल जो अस्पताल हैं लाल बत्ती, अगर आप वहाँ जाएँ तो एक मशीन है जो किडनी के पत्थरों को बगैर ऑपरेशन के वो ख़त्म कर देती है, ठीक है। वो मशीन का असल में क्या, उसका नाम है प्लाज्मा गन, वो प्लाज्मा से चलती है, ठीक है, एक बिजली का एक किस्म होता है प्लाज्मा, उससे वो क्या करते हैं पत्थर को गैस बना देते हैं। तो अगर किडनी में तो छोटे पत्थर होते हैं, इतने साइज़ के होते हैं, ठीक है, तो वो एक सेकंडों में गैस बन जाते हैं उस मशीन से, ठीक है। अफसोस से ही आपको नहीं मालूम इतना, क्योंकि वो अस्पतालों के बाहर या टेक्नोलॉजी के बारे में कोई बात नहीं करता, इतनी अहम टेक्नोलॉजी जो मैं सालों से पूरी दुनिया में मौजूद है, लेकिन उसके आगे रिसर्च कोई कर नहीं रहा, क्योंकि हमारे लीडर ने अभी इलेक्शन हुई है उस पर जी, हमारे मुस्तकबिल को बेहतर करने के लिए, साफ पीने के पानी पे, गंदगी बीमारियों को हल करने में, खाने पे कोई बात नहीं की, बाकी दीगर चीज़ों में बात की, जिसपे हमारे मुस्तकबिल को कोई बेहतर नहीं होगा उस चीज़ों से। हमारा मुस्तकबिल तब बेहतर होगा जब हम अपने खाना पीना और हमारी एनर्जी पे काम करें, उनको बेहतर करें, तो हमारा मुस्तकबिल बेहतर होगा, ठीक है। जो हम उस मशीन से जब हम पत्थर को गैस बनाएंगे, तो आपको मालूम है जिस तरह ये पत्थर है जी, ये जी मैंने ऑटोबान के रोड से मैंने उठाया जब मैं काम कर रहा था वहाँ पे कंस्ट्रक्शन, ये जी पत्थर है। अब इस पत्थर में हर किस्म की गैस होती है। अब गैस क्या होती है, धुआं जिस तरह होता है ना, धुआं वो गैस होती है। अब एक धुएं में क्या होता है, ऑक्सीजन होती है, हाइड्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन होती है, और दुनिया और दीगर गैसेस होती है, ठीक है, वो सारी गैसेस इस काले पत्थर में होती है, ठीक है ना। अब आपको मालूम है इस गैसेस का क्या फ़ायदा, पहले जो दो गैसेस होंगी, हाइड्रोजन